नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो। यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए हैं हमने, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ऊर्जा के स्रोत से। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से देना है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि है ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उसमें अंतर लिखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीवाश्म ईंधन से। जीवाश्म ईंधन के बारे में आपको क्या क्या पता है? ये स्रोत एक बार प्रयोग होने के बाद कई वर्षों में दोबारा बनते हैं, क्योंकि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? पेट्रोल, कोयला, नेचुरल गैस। इनको बनने में करोड़ों वर्ष लगे थे। आप एक बार सारा का सारा यूज कर लेंगे तो फिर से करोड़ों वर्ष लगेंगे इन्हें दोबारा बनने में। दूसरी चीज क्या है, इनके प्रयोग के दौरान प्रदूषण युक्त गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसें जब हम इनको जलाते हैं उस समय निकलती हैं, जो कि काफी ज्यादा हानिकारक होती है। तीसरी चीज क्या है, इनका संग्रह तथा प्रयोग आसानी से हो जाता है, क्योंकि आप कोयले को किसी भी कोने में रख सकते हैं घर के, पेट्रोल आप कार में डालते हैं, काफी सारी जगह पे हम इसको आसानी से लेके जा सकते हैं, तो इनको प्रयोग करना आसान होता है और इसी वजह से हम इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लगभग 75% ऊर्जा जो होती है हमारी, इस तरीके से हमें मिलती है। चौथी चीज क्या है, दिन या रात कभी भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि रात के समय आप कोयला जलाएं तो वो जले नहीं, या दिन के समय ना जले, जब भी आप कोयले को जलाएंगे वो जल जाएगा। तो ये चार पॉइंट हो गए जीवाश्म ईंधन के। चलिए अब देखते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। पहला क्या है, यह एक नवीकरणीय स्रोत है जिसका चिरकाल तक उपलब्ध रहेगा। चीरकाल का मतलब है यहाँ पर कि आप जब तक चाहे तब तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस ये नवीकरणीय है, इसका मतलब ये कभी खत्म भी नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, इसके संग्रह के लिए बनाई गई युक्ति अपेक्षाकृत अधिक लागत की होती है। यही कारण है कि आपको हर घर के ऊपर सोलर पैनल नहीं दिखते, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो बहुत ज्यादा महंगी आती हैं। उदाहरण के लिए इसके अंदर सिलिकॉन इस्तेमाल होता है जो रेयर है, इस वजह से महंगा है, और इसके अंदर चांदी इस्तेमाल होता है और चांदी तो वैसे ही महंगा है, तो इस वजह से अल्टीमेटली ये काफी महंगा हो जाता है। तीसरी चीज क्या है, इसके प्रयोग से कोई प्रदूषण नहीं होता। जाहिर सी बात है, सौर ऊर्जा की मदद से हम किसी चीज को बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो बिजली बनती है उसमें एक तो कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, ऊपर से सौर ऊर्जा से बन रही होती है, इस वजह से इससे कोई प्रदूषण नहीं निकलता, कोई सी भी गैस सौर ऊर्जा से नहीं निकलती। एंड चौथा क्या है, रात के समय यह ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती। सबसे बड़ा डाउनसाइड यही है, इसकी वजह से हमें बैटरी चाहिए होती है। हम बैटरी के अंदर ऊर्जा को स्टोर करते हैं ताकि हम रात में दोबारा से इसे इस्तेमाल कर सकें। अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर यूज कर रहे होंगे तो जब सूरज उगेगा उस समय आपकी लाइट और पंखे चलेंगे, और जैसे ही सूरज ढल जाएगा वो चलना बंद हो जाएंगे। तो इस वजह से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम सिर्फ दिन में कर सकते हैं, अनलेस आप उसे बैटरी में स्टोर करके रखें। तो ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो गया सौर ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन का। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित से ऊर्जा निष्कासित करने की सीमाएं लिखिए। ये चीज आपको याद करनी है, जितने भी तरीके हैं उन सबके बारे में। यहां पर हमें तीन चीजों के बारे में बताना है, दैट इज पवने, तरंगे और ज्वारभाटा। शुरुआत करते हैं पवनों से। तो पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा फार्म केवल उन क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवने चलती हैं। अब जाहिर सी बात, अगर आप पवन से ऊर्जा बनाना चाह रहे हैं और किसी एक ऐसे एरिया में पवन चक्की लगा दी जहां पे हवा चलती नहीं है, तो पवन चक्की तो घूमेगी ही नहीं और ऊर्जा बनेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे बहुत तेज हवा चलती है और लगभग हमेशा चलती रहती है। मतलब अगर 12 महीने का एक साल होता है तो 12 में से 11 महीने वहां पर हवा चलनी चाहिए, इतनी तो चले कि ऊर्जा बनाई जा सके। सेकेंड थिंग क्या है, पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए तथा उसके रखरखाव के लिए अधिक लागत की आवश्यकता होती है। पहली बात तो इससे बहुत कम ऊर्जा बनती है, इसलिए आपको बहुत सारी पवन चक्कियां लगानी होती है और इसके लिए आपको बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, प्लस पवन चक्की लगाने में पैसे ज्यादा लगते हैं, तो ये एक इसका डाउनसाइड हो गया। तीसरा क्या है, इसे स्थापित करने के लिए एक बड़े भूखंड की आवश्यकता होती है। अगेन, क्योंकि एक पवन चक्की से बहुत कम ऊर्जा बनती है, इस वजह से हम जब भी पवन चक्की लगाते हैं तो एक जगह पे बहुत सारी पवन चक्की एक साथ लगाते हैं और उस वजह से बहुत बड़े एरिया में सिर्फ पवन चक्के लगे होते हैं और कोई काम नहीं किया जा सकता। चौथा क्या है, इसके द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए पवनों की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगर हवा इससे कम चल रही है तो आपको इससे ऊर्जा नहीं मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं तरंगों की।
अब तरंगों में आप उत्तर खुद ही सोच सकते हैं। पहला क्या है, जहां तरंगे अधिक प्रबल हो उस स्थान पर ही तरंग ऊर्जा का उपयोग करना लाभदायी होता है। जाहिर सी बात, अगर आप तरंग से ऊर्जा बना रहे हो और किसी ऐसे एरिया में तरंग ऊर्जा बनाने लग जाए जहां पर तरंग ही नहीं आती, तो ऊर्जा तो मिलेगी ही नहीं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप नाम देखकर याद कर लेंगे कि अगर तरंग ऊर्जा है तो वहां पर प्रबल तरंगे चाहिए होंगी। दूसरा क्या है, व्यवहारिक उपयोग के लिए तरंगों की प्रबलता के साथ साथ उसकी बारंबारता भी अधिक होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक जगह है जहां पर बहुत प्रबल तरंग आती है पर दिन में बस 2 बार आती है, तो वहां पर अगर हम इसे लगाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसी जगह चाहिए जहां पर बार बार तरंग आए जिससे कि आपकी ऊर्जा बनती रहे और बस बनती रहे। ज्वार भाटे की बात करें तो आप जानते हैं ज्वार भाटा मून की ग्रेविटेशन यानी कि जो हमारा चंद्रमा है उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से होता है। पानी ऊपर उठता है और वापस से नीचे आता है जिस वजह से हमारा टरबाइन चलता है। तो ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सागर की किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है जिसमें बहुत अधिक लागत आती है। अब बांध बनाने में अगर आप कहीं भी बनाएं तो उसके लिए पैसे बहुत चाहिए होते हैं, इसी वजह से ज्वार भाटा के लिए लागत बहुत ज्यादा लगती है। दूसरा क्या है, इसके लिए उस स्थान का चयन करना पड़ता है जहां ज्वार भाटा सामान्यतः आते ही रहते हो। ये भी जाहिर सी बात है, अगर ज्वार भाटा नहीं आएगा तो वहां पर बांध बना के हमें कोई फायदा नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है। अब इसके बारे में आप आंसर अगर आपको याद नहीं है तो आप खुद भी सोच सकते हैं। प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें, जाहिर सी बात है जितनी कम अमाउंट में जितना ज्यादा ऊर्जा हमें मिलेगा उतना अच्छा स्रोत होगा। सरलता से सुलभ हो सके, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज होती है कि वो सस्ता हो। तो इन चारों चीजों के बारे में अगर आपने याद भी नहीं किया है तो आप आसानी से सोचकर खुद से आंसर लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण पर्यावरण परिणाम क्या है, ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आंसर अपनी तरफ से दें, परंतु वहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। पहले तो आपको ये बताना है कि ऊर्जा की मांग बढ़ क्यों रही है, तो उसका आंसर है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ऊर्जा की मांग को बढ़ाता है। जीवाश्म ईंधन काफी हद तक इस मांग को पूरा करता है, लगभग 70% से ज्यादा का भाग जो है वो जीवाश्म ईंधन से पूरा होता है और बाकी के लिए हम बांध का, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा इनका इस्तेमाल करते हैं और हम कोशिश करें धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने की। तो जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग के कारण पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जीवाश्म ईंधन का बहुत अधिक उपयोग वातावरण में ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र स्तर में वृद्धि होती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि धरती का तापमान बढ़ता है और उसी की वजह से ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होते हैं जिससे समुद्र का स्तर भी बढ़ जाता है। तो ये दिक्कतें होती हैं जब हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ऊर्जा की जो बढ़ती मांग है इसको रोका कैसे जाए। तो अब यहां पर आप देखेंगे औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि औद्योगिकरण को बंद कर दें। तो ये आंसर आप सोच सकते हैं कि आप लिख दें, परंतु ये आंसर लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि ये आंसर सही तो है कि इससे ऊर्जा की मांग कम हो जाएगी पर फीजिबल नहीं है, क्योंकि आप सही में वास्तव में औद्योगिकरण को नहीं रोक सकते क्योंकि वो जरूरी है। तो इस वजह से यहां पर जो आपको उत्तर लिखने होंगे वो थोड़े लॉजिकल होने चाहिए, जैसे कि जीवाश्म ईंधन की खपत को पूरी तरह से कम करना संभव नहीं है। हालांकि बिजली के उपकरणों को बुद्धिमानी से प्रयोग करके तथा बिजली की बर्बादी को कम करके ऐसे कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि पानी के अनावश्यक उपयोग से बचा जाना चाहिए। उसके अलावा बड़े पैमाने पर परगमन के साथ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बड़े पैमाने पर अपनाना चाहिए। ये छोटे छोटे कदम जो हैं वो प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करने और उन्हें संरक्षित करने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। तो आप यहां पर ऐसे उत्तर नहीं लिख सकते कि औद्योगिकरण को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो ना तो लॉजिकल है ना फीजिबल है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि उत्तर किस तरह से देनी है। इस तरह के क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कीजिएगा। धन्यवाद।